तो अब देखें स्पेशल सिचुएशन जहाँ की द का प्रयोग किया जाता है। लेट सी स्पेशल सिचुएशंस वेयर द इज यूज्ड। यूज ऑफ द विथ माउंटेन पीक्स एंड माउंटेन रेंजेस। द का प्रयोग माउंटेन पीक्स और माउंटेन की जो रेंजेस होती हैं, जो पहाड़ की चोटियां होती है और पहाड़ के जो रेंजेस होते हैं, उनके साथ द का प्रयोग कैसे किया जाता है। जो पहाड़ की चोटियां होती हैं, उन शब्दों के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी है, उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। माउंट हेलेना, माउंट एटना, माउंट केटू और काराकोरम इसका नाम है। तो जहां भी पहाड़ की चोटी का नाम है, उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। एक्सेप्शन, इसका अपवाद क्या है कि अगर माउंटेन रेंज का नाम हो तो द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हम आपको बताते हैं। यह है माउंटेन रेंज, हिमालय। तो हिमालयस के साथ द का प्रयोग किया जाता है, द हिमालयस। रॉकीज, अमेरिका में एक माउंटेन रेंज है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, द रॉकीज। एंडीज, एक माउंटेन रेंज है, तो द का प्रयोग किया जाता है, द एंडीज। अरावलीज, एक माउंटेन रेंज है, एक पहाड़ की, सिंगल पहाड़ की चोटी नहीं है, रेंज है, पूरी पहाड़ियां हैं, तो द का प्रयोग किया जाता है, द अरावलीज। तो पहाड़ की एक चोटी हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, पर पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हों, उनका नाम हो, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। नाउ टू टॉक अबाउट द सेम थिंग इशू इन इंग्लिश, इफ इट इज नेम ऑफ अ माउंटेन पीक देन द इज नॉट यूज। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल माउंटेन पीक्स, वी डू नॉट यूज द बिफोर द नेम ऑफ दैट माउंटेन पीक। फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट, माउंट हेलेना, माउंट एटना, माउंट केटू और कोराकोरम। सो बिफोर ऑल दीज नेम्स ऑफ माउंट्स और माउंटेन पीक्स, वी डू नॉट यूज द। द एक्सेप्शन इज दैट इफ इट इज द नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज एंड नॉट अ माउंटेन पीक, देन वी यूज द एज शोन हियर। हिमालयस इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, इट इज नॉट अ सिंगल माउंटेन पीक, सो वी से द हिमालयस। रॉकीज इज अ माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका, सो वी से द रॉकीज। एंडीज इज अ माउंटेन रेंज, सो वी से द एंडीज। सेम वे, अरावलीज इज अ माउंटेन रेंज, सो वी से द अरावलीज। सो टू समराइज, इफ इट इज द नेम ऑफ अ माउंटेन पीक, सिंगल माउंटेन पीक, देन वी डू नॉट यूज द, बट इफ इट इज द नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज, देन वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ दैट रेंज। आइए देखें कि द का प्रयोग जो पानी के डिफरेंट बॉडीज होती हैं उनके साथ कैसे किया जाता है। लेट सी हाउ द इज यूज्ड विथ डिफरेंट बॉडीज ऑफ वाटर। द का प्रयोग पानी की जो बॉडीज होती हैं, जैसे कि ओशन, रिवर, फॉल्स, सी, कैनाल वगैरह, उन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे समुद्र का नाम है, नदी का नाम है, झरने का नाम है, कैनाल का नाम है, तो उन सबसे पहले, उन सब के पहले, नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक दरिया है उसका नाम है पैसिफिक ओशन। द अरेबियन सी, अरेबियन सी जो है, अरब सी जो है, उसके पहले द का प्रयोग किया गया। द थेम्स रिवर, लंदन की एक नदी है, उसके पहले, थेम्स रिवर से पहले द का प्रयोग किया गया। स्वेज कैनाल इजिप्ट में जो है, कैनाल है तो नहर है, उसके लिए द का प्रयोग किया गया। नायग्रा फॉल्स, एक फॉल्स है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया, झरना है।
तो हमने देखा कि पानी की कोई भी बॉडी हो, ओशन हो, सी हो, रिवर हो, कैनाल हो, फॉल हो, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अपवाद क्या है कि जो लेक्स होती हैं, जो झीलें होती हैं और जो बे होती हैं, जिनको खाड़ी जो होती हैं, उनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर लेक सुपीरियर एक नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में लेक है, तो यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया। लेक नायग्रा एक लेक है जिसमें से नायग्रा फॉल निकलता है, नायग्रा फॉल में द का प्रयोग किया गया था, पर लेक है तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेक नायग्रा, लेक मानसरोवर सदर्न चाइना, दक्षिणी चाइना में एक बहुत फेमस लेक है, उसमें लेक है, झील है, इसलिए द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेक आना सागर, अजमेर शहर में एक बहुत खूबसूरत तालाब है आना सागर नाम से, तो उसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया गया। ये खाड़ियां हैं, पैसिफिक बे जो है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया गया। तो जो पानी की सभी बॉडीज के साथ द का प्रयोग किया जाता है, पर लेक्स और बेस के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेम थिंग इन इंग्लिश। द इज यूज्ड विथ ऑल बॉडीज ऑफ वाटर लाइक ओशन, सी, रिवर, कैनाल, फॉल्स। व्हेन दे आर नेम्ड, द इज यूज्ड बिफोर दैट नेम, लाइक द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द थेम्स रिवर, इट्स अ रिवर इन इंग्लैंड, द स्वेज कैनाल, इट्स अ कैनाल इन इजिप्ट, द नायग्रा फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स इन न्यूयॉर्क इन अमेरिका, द पनामा कैनाल इज अ कैनाल इन पनामा। सो ऑल दीज बॉडीज ऑफ वाटर, ओशन, रिवर, सी, कैनाल, फॉल्स, इफ दे हैव अ नेम, वी यूज द बिफोर दैट नेम। द एक्सेप्शन इज दैट वी डू नॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स और बेज। एग्जाम्पल्स आर लेक सुपीरियर, विच इज अ लेक इन नॉर्थ अमेरिका, इन द अपर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा, वी डोंट यूज द बिकॉज इट्स अ लेक। लेक नायग्रा इज द लेक दैट फीड्स नायग्रा फॉल्स, वी यूज द विथ नायग्रा फॉल्स, बट बिकॉज दिस इज अ लेक, लेक नायग्रा, वी डोंट यूज द विथ लेक। लेक मानसरोवर इज अ वेरी फेमस लेक इन सदर्न चाइना, एंड बिकॉज इट इज अ लेक, वी डोंट यूज द विथ इट। लेक अनासागर इज अ वेरी फेमस लेक एंड वेरी ब्यूटिफुल लेक इन सिटी ऑफ अजमेर, बट बिकॉज इट्स अ लेक, वी डोंट यूज द बिफोर इट। नाउ लुकिंग एट एग्जाम्पल्स ऑफ बेस, पैसिफिक बे इज अ बे, सो वी डोंट यूज द। बे ऑफ बंगाल इज अ बे, एंड वी डोंट यूज द विथ द नेम्स ऑफ बेस। सो टू समराइज, द इज यूज विथ ऑल बॉडीज ऑफ वॉटर एक्सेप्ट द लेक्स एंड द बेस। हाउएवर, अगर जो लेक्स हैं वे ग्रुप में हैं, तो हम उसके साथ द उस लेक के नाम के साथ यूज करते हैं, कि चार पांच छह लेक एक साथ मिलके उनका नाम है, तो उस नाम के साथ हम द यूज करते हैं। अभी हमने देखा कि झील या लेक के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता, पर अगर वे झील का नाम एक ग्रुप ऑफ झील है, झुंड है झीलों का उसका है, तो उसके पहले द यूज करते हैं। तो द ग्रेट लेक्स, ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में लेक्स हैं, दोनों में मिला के, तो द ग्रेट लेक्स, क्योंकि काफी लेक्स हैं इसलिए द ग्रेट लेक्स। द सेवन लेक्स, यहाँ नाम बताता कि सात झीलें हैं, क्योंकि ये लेक्स है, ग्रुप ऑफ लेक्स है, इसलिए द का प्रयोग किया जाता है। फिंगर लेक्स, ये नॉर्थ अमेरिका में लेक्स हैं, इनका झुंड है लेक्स का, उन फिंगर के उंगलियों के तौर पे लंबा, तो उनको फिंगर लेक्स कहते हैं, तो क्योंकि ये ग्रुप है लेक्स का, इसलिए द का प्रयोग किया गया।
We earlier saw that we do not use the with names of lakes. But if the names of lakes represent a group of lakes, then we use the with that name of group of lakes. Like the Great Lakes is a group of lakes in between like North America and Canada. So we use Great Lakes. Then the Seven Lakes, because it's a group of seven lakes. The name shows it's a group of seven lakes, so we say the Seven Lakes. Finger lakes are finger-shaped like lakes in North America. Very big lakes, 40, 50 mile long. So, because it is a group of lakes, we say the Finger Lakes. So, we do not use the with the names of lakes unless the name represents a group of lakes. यहाँ कुछ एग्जाम्पल है द के यूज के नदियों के नाम के साथ, जैसे कि द गैंजिस और गंगा के नाम के साथ, द गैंजिस, द ब्रह्मपुत्रा, एक नदी है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, इंडिया में भी बहती है, तो द ब्रह्मपुत्रा, द अमेजॉन, एक नदी है जो कि साउथ अमेरिका में बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, तो द अमेजॉन, द थेम्स लंदन में बहती है नदी, तो नदियों के नाम के साथ यहाँ दिखाया गया कि द का प्रयोग होता है। फॉल्स के नाम के साथ, नदी है तो फॉल्स भी होंगे, झरने भी होंगे, तो झरनों के नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द नायग्रा फॉल्स, द हॉर्स शू फॉल्स। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स वेयर द इज यूज विद द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड फॉल्स। द गैंजिस इज इन इंडिया, वन इन एट पीपल इन द वर्ल्ड लिव और डिपेंड इन सम वे ऑन द गैंजिस इवन टूडे। द ब्रह्मपुत्र इज अ रिवर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ऑल्सो रन्स इन इंडिया। द अमेजॉन इज अ रिवर इन साउथ अमेरिका एंड द थेम्स इज अ रिवर इन लंडन। सो ऑल दीज रिवर्स यू से सी द नेम इज देयर फॉर द रिवर एंड द इज यूज विथ दैट नेम। सिमिलरली विद द नेम ऑफ द फॉल्स वी यूज द लाइक द नायग्रा फॉल्स एंड द हॉर्स शू फॉल्स बिकॉज वी यूज द विथ नेम्स ऑफ रिवर्स एंड फॉल्स। यहाँ उदाहरण है कि द का प्रयोग जो समुद्र होते हैं उनके नामों के साथ किया जाता है, तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अरेबिक सी एंड डेड सी, ये सब समुद्रों के नाम है, तो इनके साथ द का प्रयोग किया गया, तो नाम हुआ द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अरेबिक सी, द डेड सी। तो जब हम सेंटेंस में लिखेंगे तो हम इन सब के साथ द का प्रयोग करेंगे। हियर आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ द विथ नेम्स ऑफ ओशंस एंड सीज, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अरेबिक सी, द डेड सी। सो व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट दीज वर्ड्स वी विल यूज द व्हेन वी आर राइटिंग और टॉकिंग अबाउट दीज वेरियस बॉडीज ऑफ वाटर, ओशंस एंड सीज। अब जो द का प्रयोग देखते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं उनके नामों के साथ द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, यह देखते हैं। लेट्स सी हाउ टू यूज द विथ नेम्स ऑफ डेजर्ट्स। द इज नेम बिफोर द नेम ऑफ ऑल डेजर्ट्स। सो द का प्रयोग सभी जो रेगिस्तान होते हैं उनके नाम के साथ किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल है द सहारा डेजर्ट, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है डेजर्ट है, बहुत बड़ा। द गोबी डेजर्ट बहुत बड़ा ठंडा डेजर्ट है चाइना में। द डेथ वैली डेजर्ट बहुत बड़ा गर्म डेजर्ट है अमेरिका में। तो जो भी है डेजर्ट उनके नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सहारा डेजर्ट बिकॉज इट्स अ डेजर्ट, वी यूज द सहारा डेजर्ट इज इन नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अनदर एग्जाम्पल इज गोबी डेजर्ट विच इज अ कोल्ड डेजर्ट इन चाइना। सो वी से द गोबी डेजर्ट बिकॉज इट्स अ डेजर्ट, वी यूज द। एंड देन द डेथ वैली डेजर्ट, दिस इज अ डेजर्ट इन अमेरिका, वेरी हॉट डेजर्ट,
So we say the because it's a name of a desert. अब हम देखेंगे कि द का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ उनके साथ किसके साथ करें, किसके साथ नहीं करें. Now we will see use of the with names of schools, colleges, universities and various subjects we read in those universities or colleges. पहला तो प्रिंसिपल ये है कि अगर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम किसी इंसान के नाम पर हो या किसी जगह के नाम पर हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता. सेंट पॉल्स स्कूल इंसान के नाम पर है, द नहीं लगेगा. महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एक इंसान के नाम पर है, तो पर्सन के नाम पर है तो इसके पहले द नहीं लगेगा. सोफिया कॉलेज एक इंसान के नाम पर है तो फिर द नहीं लगेगा. जगह भी हो सकती है सोफिया, तो उसमें भी द नहीं लगेगा. दिल्ली पब्लिक स्कूल एक जगह के नाम पर है, शहर के नाम पर है, द नहीं लगेगा. पेरिस कॉलेज पेरिस के नाम पर है, द नहीं लगेगा. और नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा जगह है उसके नाम पर है तो द नहीं लगेगा. अपवाद यह है कि अगर इन नामों में ऑफ या फॉर आए तो द लगेगा. अगर इन नामों में जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह के नाम हैं उनमें ऑफ या फॉर आए तो द का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको मैं दिखाता हूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, इसकी जगह मैरीलैंड की जगह यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, मुंबई हो सकता है, पर इन सबसे पहले द लगेगा क्योंकि यहाँ ऑफ यूज किया गया है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड पंजाब महाराष्ट्र मुंबई. अगर ये शब्द होता मैरीलैंड यूनिवर्सिटी तो उससे पहले द नहीं लगता क्योंकि उसमें ऑफ या फॉर नहीं है और वह एक जगह के नाम पर उस यूनिवर्सिटी का नाम है तो उसमें द नहीं लगता. तो कंपेयर करें कि ऑफ या फॉर आने से कितना चेंज आ गया. दूसरा एग्जाम्पल है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, क्योंकि इसमें ऑफ है इसलिए द लगा, द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस. सर्जन्स हो सकता है, डेंटिस्ट्री हो सकता है, पर ऑफ है तो द लगेगा. दूसरा एग्जाम्पल है द स्कूल फॉर द ब्लाइंड, इस ब्लाइंड की जगह डेफ हो सकता है, हैंडीकैप्ट हो सकता है, इमिग्रेंट हो सकता है, पर क्योंकि इसमें फॉर आया है स्कूल के साथ तो द लगेगा, द स्कूल फॉर द ब्लाइंड. यहां लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में ऑफ आया है तो द लगेगा, द लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस. तो हमने क्या सीखा अभी कि अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम किसी इंसान के नाम पर है, किसी पर्सन के नाम पर है या किसी जगह के नाम पर है तो द नहीं लगेगा. अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नाम में ऑफ या फॉर शामिल है तो उसके पहले द लगेगा. Now in English, I will explain the same thing again. The first rule is that if the name of the school, college or university is the name after a person or a place, then we do not use the. So when we say St. Paul's school, it's named after St. Paul, so the is not used. महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी, सो नो यूज ऑफ द. सोफिया कॉलेज कैन बी नेम्ड आफ्टर समबडी सोफिया और अ प्लेस कॉल्ड सोफिया. इन आइदर केस देयर वोंट बी एनी द बिफोर सोफिया कॉलेज. दिल्ली पब्लिक स्कूल, पेरिस कॉलेज एंड नालंदा यूनिवर्सिटी आर थ्री नेम्स विच आर नेम्ड आफ्टर अ प्लेस, दिल्ली, पेरिस एंड नालंदा. And there will be no the with these three names also. The exception to the rule is that if of or for is included in the name of the school, college or university, then we use the. Let's see some examples.
here are examples where there is of or for in the name of the school, college or university. The first example is the University of Maryland. It could have been the University of Punjab or Maharashtra or Mumbai, but because there is an of in the name, we use the. Compare this name, the University of Maryland, with the name called Maryland University. Now it's same name, very similar, but because there is no of and because this is named after a place called Maryland, there is no the. So the is used if there is an of or for in the name of the school, college or university. Next example, the Royal College of Physicians. It could be surgeons, dentistry, but because there is an of, we use the. Next example, the School for the Blind. It could be school for the deaf, the school for the handicapped, the school for immigrants. Because there is a for, we use the in the name of this school. Another example, the London School of Business. Because there is an of, we use the with that name. So to summarize, we do not use the if the name of the school, college or university is named after a person or a place. However, we use the with the name of the college, school or university if of or for is included in the name of that school, college or university. जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज स्कूल में, उनके पहले द नहीं लगता. वी डू नॉट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स. उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल्स हैं मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर क्लास, मेडिसिन. दीज आर ऑल नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स. ये सब विषयों के नाम हैं, तो इनसे पहले द नहीं लगता. देयर इज नो द इन नेम ऑफ सब्जेक्ट्स. वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स. इसी तरह से जो हमको डिग्री मिलती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह से, उनके पहले द नहीं लिखा जाता. उदाहरण के तौर पर MBA, PhD, MBBS, BA, किसी भी डिग्री के साथ द नहीं लिखा गया. The is not used with degrees that we receive at schools, colleges or universities. For example, MBA, PhD, MBBS, BA, they are all degrees and there is no the used with degrees. आइए अब अगला देखते हैं कि द का प्रयोग घर के नाम के साथ, सड़क के नाम के साथ, शहर, कस्बे, स्टेट, देश और कॉन्टिनेंट के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है या नहीं, कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता. नाउ लेट्स लुक एट वेदर द इज यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड, व्हेन इट्स अ नेम ऑफ अ होम और अ रोड और अ सिटी और अ काउंटी और अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट. सो लेट्स सी, द का प्रयोग सड़क के नाम के साथ, शहर के नाम के साथ, स्टेट के नाम के साथ, देश के नाम के साथ, कॉन्टिनेंट के नेम के साथ, नाम के साथ नहीं किया जाता. तो एग्जाम्पल है एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जापान और इंडिया देश हैं, पेरिस और बर्लिन शहर है, नॉर्थ स्ट्रीट और रिंग रोड शहरों की सड़कों के नाम है. इनके किसी के भी साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता. हाँ, अगर नाम में द शामिल हो, सड़क के नाम में द पहले से शामिल हो, तो हम उस समय द का प्रयोग करेंगे. जैसे द एग्जीक्यूटिव ड्राइव, द ब्रॉन्क्स, द रिट्स कार्ल्टन होटल, तो हम उसमें द का प्रयोग करेंगे. इसका अपवाद क्या है कि अगर देश का नाम एक ऐसा नाम दर्शाता है कि कुछ कई चीज़ों से मिल के बना है वे देश, कई छोटे छोटे
या तो आइलैंड हैं या कई छोटे छोटे राज्य हैं उनसे मिलकर बना है, अगर नाम में यह दर्शाता है कि वह कई चीज़ों से मिलकर बना है देश, तो हम उसमें द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि इस नाम में यूनाइटेड स्टेट्स से समझ आता है कि इसमें कई स्टेट्स मिलकर एक वह देश बना है, तो हम बोलेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में जो है ऐसा लगता है कि कई किंगडम छोटी छोटी मिलकर एक यूनाइटेड उनने बनाया किंगडम, तो इसमें हम द का प्रयोग करेंगे द यूनाइटेड किंगडम। द नीदरलैंड्स, यह ऐसा लगता है कि कई लैंड्स मिलकर एक यह एरिया बना है, तो प्लूरल है लगता है, तो इसलिए हम द नीदरलैंड्स बोलेंगे। इसी तरह से द फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस ऐसा लगता है कि कई छोटे छोटे उनसे आइलैंड्स मिलकर बना है, तो द फिलीपींस बोलेंगे। तो कानून क्या हुआ द यूज करने का, कि किसी भी घर, रोड, शहर, स्टेट, कंट्री, काउंटी, कॉन्टिनेंट के नाम के साथ द नहीं है, पर अगर यह दर्शाता है कि देश का नाम ग्रुप से मिलकर बना है, कई देशों के मिलने से बना है, कई छोटे छोटे स्टेट्स के मिलने से बना है, कई आइलैंड्स के मिलने से बना है, तो हम उसमें द का प्रयोग करेंगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द सेम थिंग इन इंग्लिश, दैट वी डू नॉट यूज द विद द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा अनलेस द इज इंक्लूडेड इन द नेम। सो Asia and Africa are continents. We don't use the with them, with that name. Japan and India are countries. We don't use the with names of countries. Paris and Berlin are two cities in the world, and we don't use the with the name of cities here. Same way, North Street and Ring Road are two streets or roads, and we don't use the with them either. So no the with names of continents, countries, cities, roads, buildings, unless the is included in the name. For example, the Executive Drive, the Bronx. Executive Drive means it's a road which is named the Executive Drive. Bronx is a county in New York, but the name is the Bronx, so we will use the Bronx. Ritz-Carlton Hotel has the included in the name, so we'll say the Ritz-Carlton Hotel. So we do not use the in all these situations, and the exception is that unless the name of the country indicates it's a collection of islands or areas, if it is so, then we use the, and here are the example. We say the United States. It United States name means it is some country which is made by many states joining together. So they called it United States, so the name will be the United States. Now many countries are there which are formed by joining of states, but if it is included in the name of that country, then we use the. Similarly, United Kingdom, it appears this kingdom is made by many areas uniting, so the United Kingdom. When the name of the country shows it's a plural or it's a collection of islands, then also we use the, like the Netherlands. It appears many lands came together and made this Netherlands. Same way, Philippines. It appears that many islands joined together to make this country, so we use the Philippines. So to summarize, we do not use the with name of cities, countries, roads, counties, continents, but if it indicates that the country is made by many states joining or many lands joining or is a collection of many islands, then we use the before that. अब देखें कि द का प्रयोग जो बिल्डिंग होती हैं उनके नाम के साथ कैसे करें। Now let's see how to use the with name of buildings. अगर बिल्डिंग एक कॉमन नाउन बिल्डिंग है, कॉमन बिल्डिंग है, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि होम, शॉप, रूम,
तो उनके साथ द का प्रयोग नहीं किया था। एक्सेप्शन यह है कि अगर बिल्डिंग का कोई खास चीज के लिए प्रयोग किया जाता है तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बिल्डिंग है जो डॉक्टर का ऑफिस है तो हम बोलेंगे द डॉक्टर्स ऑफिस। एक बिल्डिंग है जिसको कि लाइब्रेरी के तौर पर प्रयोग लिया जा रहा है तो लाइब्रेरी का नाम नहीं है फिर भी हम बोलेंगे द लाइब्रेरी। तो अगर बिल्डिंग एक कॉमन तरीके से उसका नाम लिया जा रहा है जैसे होम शॉप रूम वगैरह तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, पर अगर बिल्डिंग का स्पेसिफिक यूज का पर्पस है तो हम द का प्रयोग करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन द सेम थिंग इन इंग्लिश नाउ। वी डू नॉट यूज द इफ द नाउन इज बीइंग यूज्ड, इफ द नेम ऑफ द बिल्डिंग और द बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड एज अ कॉमन नाउन लाइक होम लाइक शॉप लाइक रूम। These are common. Every home is a home. Every shop is a shop. Every room is a room. So we do not use the with these. However, if the building is used for a particular purpose, a specific purpose, then we add the in front of that building. So if a building is being used as doctor's office, we will say the doctor's office. If a building is being used as library, we will say the library. Next is, do not use the before a named building. Till now we saw the buildings which had no names. Now we are looking at buildings that have names. So do not use the before a named building if it is named after a person or a place. Like Paris Pavilion, Bush House, they are named after a place and a person. Exception to this rule is that if it is an official building, then we use the, and here are the examples. We say the Defense Department Annex. Defense Department is an official name of a building, so we use the with that. The White House, because White House is an official building where the President of America lives, so we say the White House. We also use the with the name of memorials. So we will say the Lincoln Memorial. So the rule is that if the building is named after a place or person, then we do not use the. However, if the building is for an official use, an official building, then we use the with the name of that building. Now let me explain in English that agar let me explain in Hindi. अगर बिल्डिंग का नाम किसी जगह या किसी इंसान के नाम के ऊपर है तो हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि पेरिस पवेलियन पेरिस के नाम के ऊपर है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। बुश हाउस एक बुश नाम के इंसान के ऊपर एक घर का नाम है तो इंसान के नाम पे किसी पर्सन के ऊपर है तो हम इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका अपवाद यह है कि अगर वह बिल्डिंग एक ऑफिशियल बिल्डिंग है तो हम उसमें द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर द डिफेंस डिपार्टमेंट एनेक्स लाइक कि रक्षा मंत्रालय का भवन, तो उसमें हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह ऑफिशियल बिल्डिंग है। द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस वह जगह है जहां अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है, ऑफिशियल बिल्डिंग है तो हम बोलेंगे द व्हाइट हाउस। इसी तरह से जो मेमोरियल होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द लिंकन मेमोरियल। तो रूल हुआ कि द का प्रयोग अगर किसी इंसान या जगह के नाम पर है तो द का प्रयोग नहीं होगा, पर ऑफिशियल बिल्डिंग है या मेमोरियल है तो द का प्रयोग होगा। सो नो द इफ द बिल्डिंग इज नेम्ड आफ्टर अ प्लेस और पर्सन, but use the if it's an official building or a memorial. Now अब देखें कि द का प्रयोग होटल के नामों के साथ कैसे किया जाता है। अगर होटल का नाम किसी इंसान या किसी जगह के नाम पर है तो द का प्रयोग नहीं होता।
पर अगर जगह का उसका होटल का नाम जो है वह किसी इंसान या किसी शहर इत्यादि के नाम पर नहीं है तो हम द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर ललित होटल ललित नाम के इंसान के नाम पर आधारित है, लिंकन स्वीट्स लिंकन नाम के इंसान पर आधारित है यह होटल का नाम, इन स्वीट्स का नाम। स्वीट्स मतलब जिसमें आपको आप होटल में जाएंगे कमरा भी मिलेगा, किचन भी मिलेगी, बाथरूम भी मिलेगा, सिटिंग रूम भी मिलेगा, तो उसको स्वीट्स बोलते हैं, पर एक तरह का होटल ही है। होटल मानसिंह मानसिंह नाम के इंसान के ऊपर इस होटल का नाम है तो द का प्रयोग नहीं होगा। मुंबई पैलेस होटल क्योंकि मुंबई नाम की जगह के ऊपर है तो द का प्रयोग नहीं होगा। लंदन होटल लंदन नाम की जगह पर है तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसके कंपैरिजन में आप देखें द शेरेटन शेरेटन किसी इंसान या जगह के नाम पर नहीं है तो द का प्रयोग होगा। इसी तरह से द रिट्ज़ और द हिल्टन। अब आप कह सकते हैं कि हिल्टन नाम के ऊपर है, कभी हो सकता है कि क्लियर पता नहीं हो कि होटल पहले आया या नाम पहले आया। अगर हमें ज्यादातर यह है कि हमने उस इंसान का नाम नहीं सुना, जगह का नाम ज्यादा सुना है तो द लगाएंगे। इफ द नेम ऑफ द होटल नाउ वी आर लुकिंग एट यूज ऑफ द विद द नेम ऑफ होटल्स। इफ द नेम ऑफ द होटल इज आफ्टर अ पर्सन और अ प्लेस वी डू नॉट यूज द। सो इन एग्जाम्पल ललित होटल there is no the because Lalit is a person. Same way Lincoln Suites, no the because it's after the name of Lincoln. Suites means like a hotel where you get a room, you also get a kitchen, bathroom, sitting room, so you get the whole thing that is called suites, but it's still a type of hotel. Hotel Mansingh, named after Mansingh, so there is no the. Mumbai Palace Hotel, no the because named after a place called Mumbai, and similarly no the before the name London Hotel. However, if the hotel is not named after a person or place, then you use the, like the Sheraton, the Ritz, the Hilton. Now sometimes you may be confused that maybe there is a person by the name Hilton who came first or the hotel came first. Then you see which is more famous, and Hilton Hotel is worldwide more famous and more commonly known, so we use the Hilton. So to summarize, know the in name of hotels if it is named after a place of or person, otherwise use the. Now next we will look at use of the with different directions. अगले हिस्से में हम देखेंगे कि the का प्रयोग जो different दिशाएं होती हैं उनके साथ कैसे किया जाता है।